परोपकारिणी सभा की ओर से मेसी दयानंद सरस्वती के निर्माण दिवस पर ऋषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 4 नवंबर से 6 नवंबर तक ये मेला आयोजित होगा, जिसमें धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय उद्देश्य को लेकर चर्चा की जाएगी। इस मेले में वेद गोष्ठी के अलावा विद्वानों के प्रवचन भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि युवाओं को आध्यात्म की जानकारी मिल सके और वो देश के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए अपने आप को आगे बढ़ा सके। किस उद्देश्य को लेकर आज की प्रेस वार्ता आपने रखी थी, एक बार विस्तार से बताएं क्या कार्यक्रम? हाँ, तो परोपकारिणी सभा जो महर्षि दयानंद की उत्तराधिकारिणी सभा है, उसके द्वारा महर्षि के निर्वाण दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष यहाँ ऋषि मेला आयोजित किया जाता है और उसमें बहुत सारे धार्मिक, आध्यात्मिक, सत्संग, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, राष्ट्रवाद के, जागरूकता के, अंधविश्वास हटाने के, इन सबको की दिशाओं में महर्षि दयानंद ने बहुत कार्य किया था, उनको हम स्मरण करते हैं। महर्षि दयानंद और उनकी को गंभीरता से अध्ययन करने वाले बहुत सारे विद्वान, उनको मानने वाले साधु संत यहाँ पर उपस्थित होंगे और बहुत सारे भक्तजन जो महर्षि के प्रति आस्था रखते हैं और देश के प्रति, वैदिक धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और विद्वानों के प्रवचन सुन के और प्रेरणा प्राप्त करके यहाँ से जाते हैं। इस अवसर पर अथर्ववेद पारायण यज्ञ भी किया जा रहा है, जो कि कल से प्रारंभ हो गया, 6 तक चलेगा। यहाँ पर वेद गोष्ठी होगी, उपनिषदों में ईश्वर का चिंतन इस विषय पे, इसमें भी विभिन्न विद्वान अपने विचार रखेंगे। और इस अवसर पर चतुर्वेद कंठस्थीकरण प्रतियोगिता होगी, जो आज भी परंपरा में बहुत सारे बच्चे वेदों को पूरा कंठस्थ करते हैं मंत्रों को, उनको प्रतियोगिता भी होगी और उनको सम्मानित, पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा संन्यास दीक्षा भी होगी, वानप्रस्थ दीक्षा भी होगी और आर्यवीर दल के कार्यक्रम होंगे, व्यायाम प्रदर्शन युवाओं युवतियों को प्रेरणा देने के लिए, ये सब विविध प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर इसमें होंगे। कब से कब तक? ये 4 तारीख को से प्रारंभ होगा और 6 तारीख को समाप्त होगा। सुबह सुबह भी आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि का कराया जाएगा 5 बजे से, जो उसमें भी भाग ले सकते हैं। बहुत सारी पुस्तकें यहाँ तरह तरह की आएंगी, उसको भी, उसका भी लाभ ले सकते हैं। बहुत विशिष्ट साहित्य भी यहाँ पर उपलब्ध रहेगा।